दोस्तों ये बिहार है। राजा जनक, महर्षि विश्वामित्र, चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों की भूमि होने के साथ साथ बिहार स्टेट का नाता माता सीता, महात्मा बुद्ध, लॉर्ड महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे धार्मिक व्यक्तियों से जुड़ा रहा है। दोस्तों ये वही बिहार है जो एक टाइम पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी के लिए पूरे विश्व में प्रचलित था, लेकिन आज इसी बिहार की हालत कुछ ऐसी है कि कोई भी इससे अनजान नहीं है। देखा जाए तो बिहार भारत का सबसे लोएस्ट जीडीपी वाला स्टेट है और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भारत के जीडीपी में बिहार का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.1% ही है, जबकि यहां सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई का कंट्रीब्यूशन देश के जीडीपी में अकेले 6.6% है, जो कि पूरे बिहार स्टेट से कहीं ज्यादा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार और मुंबई का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। देखिए दरअसल ऐसा इसलिए है कि मुंबई को इस कामयाबी तक पहुंचाने में बिहार का ही खून पसीना लगा है और बिहार के ही नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुंबई को इतना रिच बनाया है। दोस्तों कुछ समझ पा रहे हैं आप? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे बिहार ने मुंबई को इतना रिच बनाया है। दोस्तों बिहार ने मुंबई को कैसे इतना रिच बनाया है ये समझने के लिए आपको गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को समझना होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये पॉलिसी ही वो फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो आइए इस पॉलिसी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस समय देश की इकोनॉमी हालात कुछ ठीक नहीं था, पिछड़ापन साफ साफ दिखाई दे रहा था। राज्यों को इस स्थिति से बाहर लाने के लिए 1952 में एक पॉलिसी लाई जाती है और दोस्तों इसी का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसे माल ढुलाई नीति भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ फ्रेट का मतलब ऐसे किसी भी सामान या चीज से है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर शिप, ट्रक, ट्रेन या फिर एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत सभी राज्यों को फैसिलिटेशन फॉर इक्वल रिसोर्सेज के राइट्स प्रोवाइड कराई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के किसी भी राज्य का मटेरियल दूसरे किसी भी राज्य में बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड किए किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। दोस्तों देखा जाए तो पॉलिसी सिर्फ उन चुनिंदा सामानों पर ही लागू होती थी जो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट जरूरी थे, जिसे आप आयरन, स्टील और सीमेंट जैसे सामानों के रूप में समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का मकसद देश के हर एक राज्य को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बराबरी के मौके देने का था, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों इस पॉलिसी के चलते महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे कोस्टल स्टेट को तो काफी फायदा मिला, लेकिन बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और यूपी के साथ उड़ीसा जैसे राज्यों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। देखा जाए तो इन सभी राज्यों में से सबसे निगेटिव इम्पैक्ट बिहार पर पड़ा, जो हमेशा से एक मिनरल रिच स्टेट था। दोस्तों ये सर इतना बुरा था कि आज भी बिहार इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में सबसे पीछे है, और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी यही मानना था। साल 2017 में बिहार और झारखंड के ज्वाइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनोग्रेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी के चलते बिहार जैसे मिनरल रिच प्रदेश एक अच्छी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है और अब झारखंड भी इसी हालात में है। दोस्तों अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे इस पॉलिसी ने बिहार और मुंबई की इकोनॉमी ग्रोथ पर असर डाला है। दोस्तों आइए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट ऐसी जगहों पर लाई जाती है जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इसे पूरी तरह से बदल दिया और इस बदलाव का असर हमें बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिल जाता है। दरअसल बिहार कई मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि सीमेंट, आयरन, बॉक्साइट और माइका के मौजूद होने के वजह से ये इंडस्ट्री के नजर में तो आ गया, लेकिन बिहार की बैड गवर्नेंस और लो सेंस को देखते हुए कोई भी इंडस्ट्री बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। एक टाइम जब टाटा जैसी कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही थी तो इस पॉलिसी और बिहार की कंडीशन को देखते हुए उसने भी एंड मौके पर अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि कोई भी कंपनी लॉस में रहकर अपना बिजनेस नहीं करना चाहती है। फिर इसीलिए कंपनी ने एक प्लान बनाया, वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से रॉ मटेरियल उठाती थी और उसे लगकर गुजरात, विशाखापट्टनम और मुंबई जैसे कोस्टल रीजन में अपनी फैक्ट्री या यूनिट में प्रोसेस करके सी रूट्स के जरिए बाहर भेज देते थे। दोस्तों देखा जाए तो इस तरह से कई कंपनीज ने बिहार से रॉ मटेरियल तो ले लिया, लेकिन कोई भी कंपनी यहां पर एस्टेब्लिश नहीं की और इसके चलते बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और दोस्तों बिहार इंडिया में ही नहीं बल्कि कई अफ्रीकन कंट्रीज से भी पीछे है। बिहार का पिछड़ा
होने की वजह वहाँ की लॉ रिटर्न्स रेट और लॉ पर कैपिटल इनकम को भी माना जाता है। देखा जाए तो जहाँ इंडिया का एवरेज रिटर्न्स रेट 73% है, वहीं दोस्तों बिहार का रिटर्न्स रेट 64% है। और दोस्तों इतिहास में ही देखा जाए तो मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल हमेशा से ही ट्रेडिंग के लिए होता आया है। एक टाइम पर जिस पोर्ट का इस्तेमाल पहले पोर्टगैस और ब्रिटिश करते थे, बाद में इसी पोर्ट का इस्तेमाल इंडियन बिजनेसमैन अपने गुड्स को दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाने में करने लगे। इस तरह से देखते देखते मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया और आज मुंबई दुनिया के 10 बड़े ट्रेडिंग सेंटर में से एक है। दोस्तों बिहार के नजरिए से देखिए तो मुंबई को इतना रिच बनाने में सिर्फ एक पॉलिसी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कई कारण है, तो आइए इसे भी समझ ही लेते हैं। दोस्तों बिहार इंडिया की थर्ड पॉपुलेशन स्टेट है। देखा जाए तो बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ की है। अपने लो इनकम, लो इकोनॉमी ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बिहार के कई सारे लोग मुंबई में आके बस जाते हैं। और मुंबई जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है, वो बिहार के माइग्रेंट्स के लिए हॉटस्पॉट्स की तरह बन गया है। देखा जाए तो मुंबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज मुंबई के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बिहार के ही वर्कर्स का हाथ है। बिहार से आए कई लोग अलग अलग रोल जैसे कि मिस्त्री, कारपेंटर, लेबर और इलेक्ट्रीशियन के रोल में आकर इस तरह से पिलर बन गए हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो 2019 में हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया को $5 trillion की इकोनॉमी बनने का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सभी को अपने डिफेंसेस को भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा और एक दूसरे की इकोनॉमी सपोर्ट करके ही $5 trillion इकोनॉमी का टारगेट अचीव कर पाएंगे। दोस्तों कैसी लगी ये हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपके नजरिए से बिहार के इतने पिछड़े होने और मुंबई को इतने रिच्ड होने का कारण क्या है, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।